That is the power has to share the. तो बता दें आपको, पावर शेयरिंग को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कर्नाटक की जनता के साथ इस ताकत को शेयर करना है। और आज शाम 7 बजे बेंगलुरु में विधायकों की बैठक होगी जिसमें विधायक दल का नेता सिद्धारमैया को चुन लिया जाएगा और 20 मई को दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह जिसमें सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो वहीं डिप्टी सीएम बनेंगे डीके शिवकुमार। तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि मुहर लग गई है मुख्यमंत्री के नाम पर और सिद्धारमैया ही कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार होंगे। हालांकि किस फॉर्मूले के तहत सहमति बनी है उसको लेकर कुछ भी कहने से बचे केसी वेणुगोपाल और पावर शेयरिंग को लेकर कोई जवाब उन्होंने दिया नहीं। तो 2024 तक प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहेंगे डीके शिवकुमार, ये भी केसी वेणुगोपाल ने साफ किया, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन है लोकसभा चुनाव तक, वो कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी संभालेंगे डीके शिवकुमार, डिप्टी सीएम होंगे। दोनों ही बहुत मजबूत दावेदार रहे हैं और एक नाम पर सहमति बनाना वाकई बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन नाम एक ही चुनना था और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम के नाम को लेकर मुहर लगा दी है। सिद्धारमैया वो कर्नाटक के नए सीएम होंगे और इसी बात की स्पष्टता के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया कि कर्नाटक की कमान को सिद्धारमैया के हाथों में सौंपी गई है। आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी और उसमें विधायक दल का नेता और मुख्यमंत्री के नाम पर सिद्धारमैया के नाम को लेकर मुहर लग जाएगी। और साथ ही ये भी कहा कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, यानी उप मुख्यमंत्री, एक ही उप मुख्यमंत्री होगा और उप कप्तान की जो कमान है वो डीके शिवकुमार संभालेंगे। साथ ही 2024 चुनाव तक कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी डीके शिवकुमार ही संभालेंगे, ये भी केसी वेणुगोपाल ने साफ कर दिया है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की जिसमें केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है क्योंकि नाम को लेकर कर्नाटक का आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर पिछले 4-5 दिनों से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, कयासों का दौर चल रहा था, मंथन चल रहा था और अब जाकर उस पर मुहर लगा दी गई है और फैसला हुआ है सिद्धारमैया के नाम पर, यानी कर्नाटक में सिद्धा सरकार और अकेले डिप्टी सी